फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं सर्दियों की स्पेशल पिन्नियाँ। मूंगी की पिन्नियाँ बनाएंगे फ्रेंड्स हम। देखिए, मूंगी की पिन्नियाँ बनाएंगे। उसके लिए मैंने ये 2.5 किलो मूंगी है हमारी, 1 पैकेट सौंठ का है, ये पहाड़ी सौंफ, कोड़ी सौंफ जिसको बोलते हैं, ये है कमरकस, ये है कमरकस, और ये पड़े हैं हमारे ड्राई फ्रूट्स, ये बादाम 1 किलो हैं, ये 0.5 किलो है हमारे काजू, ये है बूरा चीनी दोनों लिफाफों में, और ये है फ्रेंड्स अलसी, पीसी हुई अलसी, और ये है घी, तो बाकी घी इसमें हमने डाल दिया है। देखिए, अब हम इसमें भुनेंगे अपनी पीसी हुई मूंगी। फ्रेंड्स, ये वाला घी गाय का घी है, गाँव बनी है तो गाँव का ही घी है। देखो क्या बोलते हैं, ये कौन बोलता है ये गाय का घी है जब गाय बनी है तो गाय का घी है ना। ये है अलसी, अजवाइन भी है फ्रेंड्स। ये देखिए, थोड़ी सी अजवाइन डालेंगे, जितनी ये है इतनी अजवाइन डाल देंगे। अजवाइन में डालना मंगवाना भूल गई थी तो ये लाए हैं सामान। ये हमारी 2.5 किलो है पीठी नहीं, क्या बोलते हैं इसको, मूंगी का पाउडर, पीसी हुई मूंगी पाउडर, पता नहीं क्या बोलते हैं, पीसी हुई मूंगी बोलते हैं इसको। मगज भी है ये फ्रेंड्स, ये है तरबूज के मगज हैं, तरबूज के मगज हैं, नहीं खरबूजे के होंगे या तरबूज के होंगे, बड़े वाले हैं, पता नहीं कौन से हैं। देखो जी, देखो 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 देखो, भाग रहे हैं चाय बन रही है फ्रेंड्स, हम पियेंगे चाय, फिर हम करेंगे अपना काम शुरू। तो सब्जी की भी बनानी है, सब्जी का कोई प्रॉब्लम है प्रोग्राम, फ्रेंड्स ये देखिए, चढ़ गया मैंने क्यों, अपना कितना का बन जूगा माल, 7-8 किलो बन जाएगी फ्रेंड्स, ये 2 किलो 8 किलो बन जाएगी, 2.5 किलो मूंगी, 2.5 किलो बूरा चीनी, 5 किलो तो यही होगी, बाकी इसमें ड्राई फ्रूट जाएंगे, और 2.5-3 किलो घी चला जाएगा। कितनी बनी सारा करके देखो ना, 8-9 किलो बन जानी है फ्रेंड्स, ये ड्राई फ्रूट वगैरह पाके, अलसी पाएंगे इसमें 1 किलो अलसी है वो भी जाएगी, बस फ्रेंड्स इसको ना घुमाते जाना पलटे को, मूंगी जो होती है ना वो घी को ज़्यादा सोख कर लेती है, लेडीज़ के लिए बहुत अच्छी है, लेडीज़ को कोई प्रॉब्लम वगैरह रहती है ना जो, उसके लिए ये बहुत अच्छी है। ये जो होती है ना मूंगी, ये घी को ना सोख लेती है, दो बार करके हम भूनेंगे, वो देखो पड़ी है अभी। पौने ना मेरे गंदे करे ज्यादा, एक ले लो ना मैल खोरा जा,
फ्रेंड्स अभी ये हमें मिक्सी भी करना है, कमरकस वगैरह और ये पहाड़ी सौंफ और अजवाइन हमें करनी है मिक्सी, ये तीन चीज़ें। फ्रेंड्स कोड़ी सौंफ को भून लेंगे हम लोग, पहाड़ी सौंफ जो होती है ना ऐसी होती है पहाड़ी सौंफ। ये फ्रेंड्स हम पीस लेंगे अजवाइन को। फ्रेंड्स अब हम पीसेंगे कमरकस को, इसको भी हम पीस लेंगे। देखिए उधर बस ऑलमोस्ट भून ही चुकी है हमारी, थोड़ी सी कसर रह गई बस, मैं ही लेट हूँ देखिए। फ्रेंड्स थोड़ी सी हम भून लें, इसे में कर लेंगे इलायची, वैसे मेरे पास इलायची पाउडर भी है तो ये बोले नहीं, हरी इलायची। फ्रेंड्स हरी इलायची को पीसने का तरीका पता क्या है, इसमें थोड़ी सी हम चीनी डाल दें फिर बड़ी अच्छी पीस जाती है ये। देखिए फ्रेंड्स हम डाल देंगे इसमें अलसी, आधी अलसी इसमें डाल देंगे, आधी हम जब दूसरी बार बनाएंगे ना जो बची हुई है तो उसमें डालेंगे। ये देखिए मैंने ये कमरकस भून लिया, ये कोड़े सौंफ भून ली, जो भून ली नहीं पीस ली सॉरी, ये भून रहे हैं ना तो मुझे भूनना ही याद आ रहा है। तो ये है हमारी अजवाइन पीस ली, कमरकस पीस लिया और पहाड़ी सौंफ पीस ली। ये जो सौंठ है हमारी पीसी पिसाई है, ये देखिए मैंने इलायचियाँ भी पीस ली, हरी इलायची वो देखिए। फ्रेंड्स अगर हमारे घर में कोई बुज़ुर्ग है ना तो उनका भी मन करता ही है पंजीरी वगैरह खाने का, तो उनको ना ये हम जो ड्राई फ्रूट्स वगैरह है ना सारे, तो ये ना उनको पीस करके मिक्सी में बन दे सकते हैं, उनके लिए थोड़ी सी अलग निकाल लें तो उनको हम पीस करके दे सकते हैं ये सारा सामान, फिर वो भी खा लेंगे। मैं देखिए यहाँ बादाम वगैरह काटने में लगी हूँ। ये लगे हैं उधर भूनने में। फ्रेंड्स मेरी दाढ़ में फ्रेंड्स बहुत दर्द है, मैं बड़ी मुश्किल से ये वीडियो कर रही हूँ, आज थोड़ा मुझे रिलीफ है, अच्छा लग रहा है दवाई से कुछ है। तो ये देखिए मेरा ये तरफ ना एक तरफ से ये यहाँ से सारा लटक गया यहाँ तक, सो जैसा यहाँ से ये सही है, यहाँ सेहत बन गई एक तरफ से मेरे मुंह की। और ना मुझे थोड़ा सा कोल्ड भी हो गया यार बार बार मैं ना ऐसे कर रही हूँ, तो प्लीज़ माइंड मत कीजिएगा। सौंठ पाउडर ऐड हो गया, दूसरे वास्ते ही बचाओ। तो फ्रेंड्स ये हमारा गया कमरकस, अजवाइन पीसी थी हमने, अजवाइन भी डालो ऐसे ना मिला लेना। फ्रेंड्स गैस को थोड़ी धीमी आंच पे कर देना जैसे हमने की है देखिए, क्योंकि वो जो कढ़ाई तो गर्म ही है तो वो अपने आप उसमें भून जाएगी। फ्रेंड ये ना भारी हो जाती है जब इसमें ना थोड़ा सामान ज़्यादा हो जाता है ना, तो ये उलट पलट करने मुश्किल हो जाती है। फ्रेंड्स अब जाएगी इसमें पहाड़ी सौंफ, वो है अजवाइन, ये अजवाइन है, बाकी दूसरी बारी में डालेंगे।
अब इसे कर लेंगे उलट पलट। आधी वाली हमारी भून चुकी है, देखिए बस इसको निकाल देंगे हम। ये है मेरी बड़ी वाली परात, जो मैं बहुत कम लगाती हूँ क्योंकि ये बहुत बड़ी है, तो मेरी जो परात है वो तो छोटी है। ये रही मेरी डेली वाली परात, ये जैसे हमें कोई काम वगैरह करना हो ना तब हम निकाल लेते हैं, नहीं वरना हम इसको फिर रख देते हैं। मगज ने इन्होंने यहाँ इसमें डाल दिए, ये भून जाएंगे। ये गरम गरम ना मगज जो रहते हैं ना इसमें भून जाएंगे। ज़्यादा पर जो पिछली बार बनाने लगे थोड़ी ठंडी पै गई थी ना, हो फिर आप ओवन चलन क्या क्या भाई जी वो रहन दो अदरक लोड़ बांधने में गाजी बॉल सेट पाउडर में वर्क थोड़ी कटनी नहीं कह रहे थे इलायची पाउडर बाकी दूसरी में डाल देंगे। डब्बे जी कितना लगाते हैं भैया? मेरा तो काम ही अभी रह रहा है। लो अभी दूसरी बारी की तैयारी कर रहे हैं फ्रेंड्स, उसमें डालेंगे घी, घी उसमें डाल भी दिया हमारा ना, मतलब 3 किलो घी लग जाएगा फ्रेंड्स। ये देखिए गैस तो चलाई नहीं नीचे, डाल गया तकड़ाई गर्म सी टला पी लिया इतने, मैनू भी टला बड़ा कराते रहते। पर काजू तो कट्टन वाले है यार, केड़े है अद्धे पाओ अद्धे दूसरे च भी पाने हैं। अंदर बाहर ये बाहर नहीं लगती है नहीं लगती इसको ना थोड़ा हिलाना डुलाना पड़ता है फ्रेंड्स, क्योंकि ये गर्म रहती है ना तो ये फिर जल जाती है, गर्म गर्म तो है ही ना। ये पड़ी है हमारी मूंगफली, ये मैंने ली थी हमारे यहाँ ना 100 की 1.25 किलो मूंगफली मिल जाती है, गली में पाई आता है। मैं काट रही हूँ फ्रेंड्स बादाम। अनु कटवारा भी हम दोनों माँ बेटे कट रहे हैं बादाम।
इसमें हमने डाल दिए हैं बादाम वगैरह, चिली पाउडर थोड़ी थोड़ी करके पाई। कढ़ाई मिक्स करने से एकदम ना पाव सारी। इसे चीनी को ना अच्छे से मिक्स कर लेना फ्रेंड्स। आए दे जो रख दो, दो नल पिनिया चक के मथा टेकन नु कट दो। फ्रेंड्स ऐसे बटने हैं, पिन्नियाँ ऐसे बनानी है। देखो आ मत्था टेकन वाली हो गया, मत्था टेकांगे आपां साल मगरों खाई दी है चीज़ तो पहले भगवान नूं भोग लगावांगे फिर आपां खावांगे। ये देखो इनकी भी हरकतें, इनको अपना बचपना ही नहीं भूलता। लुआ ना लियो हाथ च, देखो जी काम टालू बंदे नू ना काम ना करन दा बहाना ही मिलता। छड़ दी ता नहीं मैं, सारे करवा गए सा लूंगी। फ्रेंड सारे कर लेंगे फिर आपको दिखाऊंगी मैं, सारे कर लेते हैं ऐसे ही बस सबको कर लेना। अखबार रख देना, फ्रेंड्स देखिए ऐसे बनानी है हमने मूंगी की पिन्नियाँ। पिन्नी का आप कोई भी डिज़ाइन रख सकते हैं, गोल रख सकते हैं या एक लंबा होता है ना ऐसे ही, सिर्फ जैसे ऐसे ही होती है एक तो पिन्नी, ऐसे भी रख सकते हैं। हमने गोल वाली बनाई है, थोड़ी सी हम लूज़ छोड़ देंगे। लूज़ पता क्या होता है, तो हम लोग पता क्या करते हैं लूज़ जो छोड़ी रहती है ना उसको ना हम ओवन में गर्म कर लेते हैं फिर खा लेते हैं गर्मा गर्म धूप में बैठ के। ये तो सुबह मॉर्निंग के लिए होगी ना, मॉर्निंग में एक एक दो दो जिसने जितनी भी खानी होगी खा लेंगे। तो फ्रेंड्स आप बताइए आपको मेरी रेसिपी ये कैसी लगी, सर्दियों की स्पेशल मूँगी की पिन्नियाँ। ये देखिए अब इसमें तो चीनी वगैरह मिलाने वाला है सारा, पहले वो वाली ख़त्म कर लेंगे फिर ये वाली बनाएंगे। आपको कैसी लगी फ्रेंड्स मेरी रेसिपी। ये इसमें चाकू पता क्यों खड़ा किया हुआ है, ये रखते हैं फ्रेंड्स खड़ा ऐसे लोहा बीच में, जैसे मतलब कोई जैसे खुशबू वाली चीज़ होती है ना ऐसे कुछ ना कुछ, कहते हैं कि पुराने लोग ऐसे कोई पीछे लग जाता है ये वो ऐसे वैसे कुछ भी, मुझे तो ऐसा कुछ समझ में नहीं आता, ऐसे रखते हैं।
तो आप बताइएगा रेसिपी कैसी लगी। अच्छी लगी तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और न्यू देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर कर दीजिए वीडियो को। देखिए हस्बैंड जी आज लगे हैं, आज फ्री है, आज हमने बकरा फंसाया है, आज हलवा ही फंसाया हमने। भाई आप ना ऐसे मत कह देना कि मैं अपने हस्बैंड को ऐसे बोलती हूँ, ये तो हमारा हंसी मजाक चलता रहता है, हम एक दूसरे के साथ ऐसे ही भैया एक दूसरे के साथ मजाक करते रहते हैं, ये भी मुझे ऐसे ही करते रहते हैं, कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, मैं भी बोलती रहती हूँ। ऐसे ना थोड़ा प्यार बड़ा रहता है लाइफ में, थोड़ी तकरार थोड़ा प्यार बड़ा रहता है। फ्रेंड्स आप बताइएगा आपको कैसी लगी मेरी पिन्नियों की रेसिपी, अच्छी लगी तो शेयर कर दीजिएगा।